नगर निगम मंडी के चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रणनीति तैयार की है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नगर निगम चुनाव प्रभारी जीएस बाली विशेष रूप से उपस्थित हुए और चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की। इस मौके पर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए जीएस बाली ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि 2022 में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता हासिल करेगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भी नगर निगम चुनावों को लेकर अपने विचार प्रकट किए। वहीं इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जीएस बाली का भव्य स्वागत किया और पंजाब राज्य में हुए नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को बहुमत हासिल होने पर खुशी जाहिर की है। कि दिव्य गायब हो गए, बाद में रिजल्ट निकले कुछ उसके विपरीत आए, तो जो वहां पर अधिकारी बैठे हों उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर काउंटिंग हो गई कि नहीं हुई, प्रॉपर उसका जोड़ जो है वो मिल गया कि नहीं मिला, और ईवीएम जो है अगर ईवीएम से होता है तो वो जहां भी जाएं वो सुरक्षित जाएं, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का करने का है कि वे पूरी तरह से उसमें लेकर के जाएं। और हमने ये भी तय किया है कि लास्ट डेट ऑफ इलेक्शन एप्लीकेशन विल बी 23 तारीख तक जो भी एप्लीकेशन देना चाहें दे दें। हमने 1,000 रुपया फीस रखी है जो जमा करा दी है, लोगों ने कुछ ने एप्लीकेशन दे दी हैं, बाकी जो देना चाहे वो दे करके कमेटी के पास हमारी जो सिटी कांग्रेस है और डीसीसी है दोनों को दे सकते हैं। और इसमें हम अपना मैनिफेस्टो भी लेकर के आएंगे फॉर द कॉरपोरेशन एरिया कि हमारी विजन क्या है, मंडी शहर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या काम होना चाहिए। उसके लिए आज हम आपसे बात करके या दो दिन में कमेटी फाइनलाइज कर देंगे और उसके बाद वो कमेटी का भी हम 23 तारीख को जब मैं आऊँगा 25 को, तो अगली मीटिंग हमने 25 को रखी है, तो 25 को आके हम इसके बारे में सब कुछ फाइनल कर देंगे। लोवन देख करके एक चीज को जीत लेते हैं और उसके बाद जा करके उसको भूल जाते हैं। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। 14.5 लाख नौजवान जो आज बेरोजगार है, उनको कितने रोजगार दिए, एक बार सफेद पेपर ले आए, वाइट पेपर ले आए, हमें बताएं कि कितने रोजगार मिले हैं। कितने जो गरीब आदमी हैं उनको पेंशन कब मिल रही है, जो बच्चे स्कूल, हमारा मैनिफेस्टो था कांग्रेस पार्टी का, हमने फ्री यात्रा बच्चों को दी थी स्कूल के, कॉलेज वालों को कंसेशनल दी थी। इस सरकार ने आके 1.25 साल तक, अभी 1.25 साल होने वाला है कोरोना को चले हुए, HRTC की सेवाएं 25% रख ली थी। आज गांव से स्कूल बच्चा भेजना हो HRTC के रूट नहीं चल रहे। मैं 500 बार कह चुका हूं कि कृपा करके बताएं आप HRTC के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये गरीब के चलने फिरने का साधन है। जो बस से मैंने खरीदी थी उसके बाद एक बस इन्होंने नहीं डाली, और रूट जो है अपने सरेंडर कर करके प्राइवेट वालों को चालू कर दिया। हम लोग सब गांव की राजनीति करते हैं, हमें सबको पता है कि गांव में प्राइवेट वाला शाम को नहीं जाता, सवेरे वो वापस नहीं आता। ये सारे हमारे चिंता के कारण है और इन चिंताओं को हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे आपके मार्फत कि लोग सामने आए, अपने वोट का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको बहुमत से और बड़े ज़्यादा मार्जिन से जिताएं। और हमारा सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया रहेगा टिकट देने का वो रहेगा पार्टी में लोगों की विचारधारा। जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग होंगे उनको देंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि कोई एक्सेप्शन
बहुत बड़ी आ गई कि ये बड़ा विनिबिलिटी है इसकी, तो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो विनिबिलिटी एंड पार्टी आइडियोलॉजी विल बी टू मेन क्राइटेरिया, टू मेन क्राइटेरिया विल बी दिस। और दूसरा हमने ये भी फैसला लिया है कि जो झूठा प्रचार, जो झूठा प्रचार जी एक लोग कर रहे हैं, वो उसका हम लोग डट करके हमारे कैंडिडेट भी हम भी मुकाबला करेंगे। और अगर किसी ने सरकारी तंत्र को प्रेशर में लेकर के और अपना सरकारी रोब दिखा करके किसी ने प्रयास किया कि आर्म ट्विस्टिंग करने का, तो ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, एक ही साल बाकी है, सरकार कांग्रेस की आने वाली है। तो इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को जो लोकतंत्र में जो ब्यूरोक्रेसी है और जो बाकी लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव में है, उनका काम बनता है कि निष्पक्ष होकर के काम करें। आज नगर निगम मंडी के चुनावों के हमारे प्रभारी आदरणीय श्री जी एस वाली जी मंडी पहुंचने पर बिजनी के समीप उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां से सर्किट हाउस तक गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे और आने वाले जो नगर निगम मंडी के चुनाव है उनमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए आगे की रणनीति आज तय की जाएगी। और साथ साथ में हमारे हाल ही में पंजाब राज्य में जो अभी पंचायती राज और नगर निगमों के जो चुनाव संपन्न हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी की जो बहुत ही शानदार तरीके से विजयी हुई है, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ। जय हिंद।